फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था। एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है? जो फिक्स हो, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। 1, 2, 3, 4, -1, -2, 1/2, 1/3, ये सब कांस्टेंट टर्म होती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जहाँ ए टू जेड अल्फाबेट, जहाँ ए टू जेड अल्फाबेट होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी पी क्यू, या 4x 2y, ये 2x2, ये 2xy, ये सब आपके वेरिएबल टर्म्स है कि जहाँ एक्स वाई जेड, जहाँ ए टू जेड अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। एक्स वेरिएबल है और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, ये इसकी फॉर्म है। वेरिएबल एक्स है। जब भी वेरिएबल की बात करेंगे तो ए टू जेड में से आपको वेरिएबल बताना है। आप ये नहीं बोलोगे एक्स स्क्वायर वेरिएबल या वाई स्क्वायर वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल की सिर्फ फॉर्म है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की फॉर्म कैसी होती है और कॉन्स्टेंट टर्म क्या होती है। ठीक है, वेरिएबल टू मीन्स जब भी आप पढ़ोगे यहाँ टू वेरिएबल साथ चलेंगे तो ज़्यादातर या तो एक्स वाई साथ आपको दिखेगा या पी क्यू आपको साथ में दिखेंगे। पेयर होता है, आप ए बी भी बोल सकते हो। आपको एक साथ टू टू वेरिएबल्स दिखेंगे। इक्वेशंस, इक्वेशंस किसको बोलते हैं? यहाँ इक्वल का साइन होता है। जहाँ इक्वल का साइन होता है, जहाँ आप एल एच एस आर एच एस टर्म डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ एक्स प्लस वाई प्लस फोर, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ यहाँ कितने वेरिएबल है, आप बोलोगे टू वेरिएबल है। क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन नहीं है? क्यों? यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। आप यहाँ बोल नहीं सकते कि कौन आर एच एस में कौन एल एच एस में। इसी की जगह अगर मैं लिखती हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, तो आप ये बोलेंगे कि एक्स प्लस वाई आपका एल एच एस टर्म है और फोर आपका आर एच एस टर्म है। ठीक है, तो आपने एल एच एस भी पता कर लिया, आर एच एस भी पता कर लिया। कैसे, किसकी वजह से पता किया? इस इक्वल की वजह से। तो इक्वेशन किसको बोलते हैं? जहाँ इक्वल का साइन होता है। अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो इक्वेशन नहीं होती है। तो ध्यान रखना इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन, ये कंपल्सरी होता है। लीनियर, अब लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर वन हो, जैसे एक्स, यहाँ पावर कितनी है? वन। मैं आपको बोल दूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पावर कितनी है? टू। इसको तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं लीनियर। तो जब भी आप इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में जब भी आप पढ़ोगे कोई सा भी क्वेश्चन, तो आपको एक्स ही दिखेगा, एक्स स्क्वायर नहीं दिखेगा। आपको वाई दिखेगा, वाई स्क्वायर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका जो चैप्टर का नेम है वो क्या है? लीनियर। लीनियर मीन्स जिसके पावर वन हो। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मतलब साथ में आना। ऐसा नहीं कि एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू ये अलग आ रहा है, वाई वाली टर्म अलग आ रही, नहीं। एक्स और वाई आपको एक साथ मिलेंगे। पेयर मीन्स साथ साथ होना। तो यहाँ पे पेयर होगा, जैसे 4x + 2y = 4। तो ये आपकी है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस पूरे को आप क्या बोल सकते हो? ये किसका एग्जांपल है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि एक ऐसे इक्वेशंस जहाँ टू वेरिएबल्स है और जो लीनियर है और पेयर बना रहा है, साथ भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस टाइप की इक्वेशंस आपको मिलेगी। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इनको कैसे, अब आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के कितने मेथड से अपन पढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है। बेसिक क्या होता है? पेयर लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मीन्स क्या होता है? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, जब आपके सामने लीनियर इक्वेशंस आती है तो आप उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ टोटल 4 मेथड है सॉल्व करने के। फर्स्ट आप बोलोगे कि सोल्यूशन की हम बात करते हैं कि चलो इक्वेशन तो आपको मिल गई, इक्वेशन मिलेगी तो सोल्यूशन भी तो चाहिए। सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास टोटल 2 मेथड है। फर्स्ट है ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकल। सेकेंड है एलजेब्रिक। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है, आपको ग्राफ बनाना है।
ठीक है, अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। ग्राफिकली मेथड में ग्राफ बनाया जाता है, एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है उसको सॉल्व करना पड़ता है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है एलिमिनेशन, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिकली में तो क्या ग्राफ बनाना है, अभी डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, इसका वर्ड का मीन देखो, सब्स्टिट्यूट करना यानी कि एक की जगह दूसरा पुट करना, यानी कि अगर एक्स और वाई आपके साथ एक साथ चलते हैं, एक जब एक साथ दोनों चलेंगे तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, अब वन बाई वन सोल्व करेंगे ना, तो वन बाई वन सोल्व करने का मतलब क्या है, अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए पहले तो वाई को आप हटा दो, और वाई चाहिए तो एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। एलिमिनेशन का मतलब यही होता है, एलिमिनेट करना, कि जैसे वही आपके सामने एक्स और वाई एक साथ दोनों आएंगे तो आपको एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा, एक जब हटेगा तो दूसरा फाइंड सॉल्व हो जाएगा, और जब दूसरे की वैल्यू आ जाएगी तो उसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स और वाई आपको मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन की टाइप्स। फर्स्ट है ग्राफिकली मैथड, जिसमें आपको ग्राफ बनाना है। सेकेंड है एलजेब्रिक मैथड, जो थ्री टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, अब क्या होता है, एक चीज़ और होती है, जब ग्राफिकली मेथड आप पढ़ोगे तो आपको पहले बोलेगा कि सॉल्यूशन का टाइप कैसा है। ये तो है सॉल्यूशन निकालने के मेथड्स। अब सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये टू टाइप्स के होते हैं, कंसिस्टेंट, सेकेंड है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सोल्यूशन मिलना, वो कैसे भी हो आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, आप उस इक्वेशन को कैसे भी सॉल्व करो, कैसे मेथड से आप सॉल्व करोगे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर एक तो होता है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, और एक होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट की अगर बात करो तो ये होता है नो सॉल्यूशन, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो उस इक्वेशन का आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब जिसका एक आंसर हो, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है, एक इनकी एक वैल्यू ऐसी होगी जो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, उसके अलावा कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी कि x और y के बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, तो ये तो आपको पता चल गया। बट अब आपको पता करना है बिना सॉल्व करे, बिना सॉल्व करे कैसे पता चलेगा, सबसे पहले देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो, यानी कि एक टाइम एक्स की होगी कन्फर्म है, एक टाइम वाई की होगी वो भी कन्फर्म है, और एक कॉन्स्टेंट टर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो टोटल थ्री टर्म्स इसके अंदर होती है, किसके अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स वाली टर्म होगी, एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। जो आपके वेरिएबल टर्म्स होती है वो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई भी होता है, इसलिए यहाँ ये ए इसका कोफिशियंट है, बी इस वाई वाले टर्म का कोफिशियंट है, सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं होगी, थ्री मैक्सिमम थ्री टर्म्स आपको इक्वेशन में मिलेगी, ठीक है। अब अगर आपको ऐसी टू इक्वेशंस मिलती हैं तो आप क्या बोलेंगे, वन वन लगा दो, ए वन बी वन सी वन जी, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इजिकल टू जीरो। अगर आपके पास आपके सामने टू इक्वेशंस होती है, ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होता है, जब भी आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करके आप ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों मिलेगी, इसका भी रीजन है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। जब भी आप इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करते हो किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को, तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और सपोज इसको आपने बनाया तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो टोटल आपको किस टाइप का डायग्राम मिलेगा,
अब देखो ये डायग्राम कैसा है, यहाँ पे जो लाइन्स हम क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। तो अगर आपकी लाइनें इंटरसेक्ट करती है, अगर आपकी लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो आप समझ लेना यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, इसको बोलते हैं कॉइंसिडेंट। जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ करी, एक इक्वेशन को सॉल्व किया, आपको एक लाइन मिल गई, इसी के ऊपर आपको सेकेंड, आपको सेकेंड को आपने सॉल्व किया तब भी उसी के ऊपर कोइंसिडेंट लाइन कैसे हो रही, कोइंसिडेंट। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, एक के ऊपर एक लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, मेनी सॉल्यूशन। क्यों? देखो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब वो मिलेगा आपको। और भी जब किसी की भी जब लड़ाई होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, मिलना, ठीक है। इस देखो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे मिल रही है, यानी एक सॉल्यूशन। अब ये टू लाइन्स है, ये हर पॉइंट पे मिल रही है, हर पॉइंट पे इनका मिलन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या असर डायग्राम बनता है, ऐसा एक के ऊपर एक लाइन कोइंसिडेंट लाइन, नो सॉल्यूशन। यानी कि जब आप ग्राफ बनाते हो तो लाइनें कुछ ऐसी आती है पैरेलल, जब भी लाइनें पैरेलल होगी तो समझ जाना नो सॉल्यूशन। क्यों? पैरेलल का मतलब क्या होता है कि आप उसको आगे की तरफ बढ़ाओ चाहे उसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ये दोनों लाइनें कभी मिलने वाली नहीं है। तो जब मिलेगी नहीं तो उसका सलूशन निकलेगा कि नहीं, ठीक है। मिलना कंपल्सरी होता है, एक बार तो कम से कम मिलना चाहिए था ना इनको, तो नहीं मिल रहा। आप क्या बोलोगे, नो सलूशन। तो नो सलूशन में कैसे कैसे ग्राफ बनेगा आपके सामने, ऐसे लाइनें कैसी होगी, पैरेलल। तो आप डायग्राम से भी पता कर सकते हो, अगर आपका डायग्राम ऐसा बन रहा है तो समझ जाना यूनिक सोल्यूशन है। आपका डायग्राम अगर ऐसा बनता है कोइंसिडेंट लाइन है तो आप इनफाइनाइट सोल्यूशन, और आपके डायग्राम में अगर पैरेलल लाइंस आती है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो है डायग्राम बनाने के बाद पता चलता है। अब ऐसा कुछ हो कि डायग्राम बनाने से पहले ही पता चल जाए तो कैसे पता चलता है, आपको निकालना है इनका रेशियो। रेशियो कैसे, देखो यहाँ पे जो इसका एक्स का कोफिशियंट है वो ए है, ए वन, और इसका ए टू, इन दोनों का कोफिशियंट ले लिया, वाई के कोफिशियंट बी वन अपॉन बी टू इनका रेशियो ले लिया, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू सी वन सी टू इनका रेशियो आपने ले लिया। अब इन रेशियो पे डिपेंड करता है सब कुछ। अब देखो अगर इनका रेशियो कैसा होता है, अगर आपने इन दोनों का रेशियो लिया, सिर्फ एक्स और वाई का रेशियो आप लेते हो, तो अगर ये नॉट इक्वल आ जाता है, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, अगर पहली वैल्यू नॉट इक्वल आ जाती है तो समझ जाना यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू इजिकल टू बी वन अपॉन बी टू। देखो अगर आपके ए वन अपॉन ए टू इजिकल टू बी वन अपॉन बी टू होता है तो आप क्या बोलोगे, थर्ड वाले को भी चेक करके देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर थर्ड वाला भी इक्वल आ जाता है तो मेनी सॉल्यूशन, और अगर थर्ड वाला इक्वल नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन, ठीक। सबसे पहले क्या किया मैं, इसका इसका रेशियो चेक करा, नॉट इक्वल टू आ गया। तो जब यही इक्वल नहीं है तो आगे वाले को चेक करने से कोई मतलब नहीं है। तो जब ये नॉट इक्वल है तो समझ जाना फर्स्ट वाला आंसर है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। फिर आपने क्या किया, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू अगर इक्वल है तो आपने क्या किया, सी वन अपॉन सी टू को भी चेक करा। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती है, अगर सी वन अपॉन सी टू इक्वल आ जाता है, किसके, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल आ जाता है तो मेनी सॉल्यूशन है, और इक्वल नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन है। तो आप ऐसे याद करना, देखो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन में कभी मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इक्वल नॉट इक्वल तो बातें करते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, इनके नहीं आना, तो ठीक है इनके मिलने वाले नहीं है। देखो इनकी बातों से क्या लग रहा है, पहले बोला हाँ इक्वल है, फिर बोलता नहीं इक्वल नहीं है, तो बातें मैच नहीं हो रही ना, जब बात मैच नहीं हो रही तो उनका सोल्यूशन निकलना इम्पॉसिबल। यहाँ देखो इक्वल 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 बोले जा रहे हैं, हाँ इक्वल है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो इनकी मेन्यू सोल्यूशन। तो आप ऐसे याद कर लेना, जहाँ सारे इक्वल है तो समझ जाना मैंने सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, और जहाँ इक्वल टू नॉट इक्वल टू साथ में आ रहे हैं तो वहाँ समझ जाना कोई बात बनने वाली नहीं है, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, ठीक है। और यहाँ डायरेक्ट इसने बोल दिया नहीं, यानी कि क्लियर बोलना, तो जब भी क्लियर की बात आती है, क्लियर मतलब ये क्लियर कर दिया, नहीं, नहीं का साइन होता है क्रॉस, नहीं। तो ये कितने टाइम मिल रहे हैं, वन टाइम, तो नहीं के साइन में क्या होता है, वन वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं, कैसे वापस से फटाफट रिवाइज कर लो, जब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू को सबसे पहले चेक करो, अगर यही इक्वल नहीं है तो समझ जाओ बात यही खत्म है, और खत्म है मीन्स क्रॉस। तो आप क्या बोलोगे यार, वन टाइम सॉल्यूशन। फिर
फिर जब आप बात करते हैं कि a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल है, फिर आपने कहा कि c1 upon c2 को भी चेक करा, तो अगर इक्वल है, सारे इक्वल है, तो समझ जाना सब सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, और जब इक्वल नहीं है तो समझ जाना नो सॉल्यूशन। क्यों? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये था अपना बेसिक्स।